सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स। तो हमारी वेब डेवलपमेंट की ट्यूटोरियल चल रही है, जिसमें हमने पिछली वीडियो में पढ़ा H1 टैग, P टैग, बॉल टैग, टैली, ये सब करना हम सीख चुके हैं। आज वीडियो का हमारा फोर्थ पार्ट आ रहा है, जिसके अंदर हम कुछ छोटे छोटे टैग ही सीखने वाले हैं, क्योंकि अभी हम शुरुआत धीरे धीरे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अभी बिगिनर्स हो। तो छोटे छोटे वीडियोज भी मैं इसी कारण बना रहा हूँ कि एकदम आप पर लोड नहीं आए और आप आराम से धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाते जाएं और आप सारी चीजें सीखते जाएं, ठीक है। तो आज भी कुछ छोटी सी वीडियो रखेंगे, ज्यादा बड़ी नहीं करने वाले, जिससे आप भी आपके टाइम के अकॉर्डिंग देख पाओ और चीजों को आसानी से समझ पाओ और इनको प्रैक्टिकली करके आप देख पाओ, ठीक है। तो वीडियो को बिना कोई देरी के हम स्टार्ट करते हैं। और आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी वेब डेवलपमेंट की सीरीज आगे जाकर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा कुछ पिछली फाइल थी, हम एक और फाइल को ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लिख देते हैं basic2.html के नाम से, इसको हम सेव कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने एक न्यू फाइल ले ली है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे कि हमको कोड देखने में आसानी हो। तो हम यहीं पे वही HTML5 लिख के हमारा कोड लेके आते हैं एमिट के द्वारा, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे, पहले कोई भी पहले ग्राफ के अंदर हमें कोई सिंगल वर्ड की अपना फॉन्ट साइज बढ़ाना हो या छोटा करना हो तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक काम करते हैं, हम एक पहले ग्राफ ही ले लेते हैं वापस आज भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंट्रोल जेड के द्वारा अंडू कर सकते हैं और कंट्रोल वाई के द्वारा रीडू कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका दोनों का भी यूज आप कर सकते हैं इसके अंदर, अगर कोई कोड वगैरह में आपको दिक्कत हो जाती है, गलती से बैक स्पेस वगैरह दब जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पीटेक ले रहा हूँ, यहाँ पर पीटेक के अंदर वही हमारा लोरेम का यूज करते हैं। अब ये बड़ा हो गया तो हम इसे व्यू के वहाँ जाकर वर्ड रेप कर लेते हैं, तो कि ताकि ये क्या होता है कि हमारे स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। अब मान लीजिए सिट जो लिखा है, इसका फॉन्ट साइज पूरे पहले ग्राफ के अंदर मेरे को थोड़ा सा बड़ा करना है। तो यहाँ पर हमें हमारा टैग होता है बिग, बिग लिखते हैं और बाकी पूरी प्रोसेस वही होती है जो हमने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के लिए की थी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से इसे बिग को यहाँ पर बंद कर दिया। अब इसका आउटपुट हम चेक करते हैं, तो आउटपुट चेक करने के लिए हम वही हमारे क्रोम ब्राउजर में ही करेंगे। अब या तो मैं डिफॉल्ट टैग के लिए क्रोम आपके लिए अब सेव ही कर दूंगा, जिससे कि हमारा थोड़ा सा टाइम बचेगा, इतना झंझट नहीं करना पड़ेगा और आगे जाकर हम इसमें गो लाइव भी चलाएंगे धीरे धीरे सब कुछ, ठीक है। तो ये हमारा कुछ वो था पहले ग्राफ, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा सीट है ये हल्का सा बड़ा आ रहा है, ठीक है, हल्का सा जूम है इस पर, हल्का सा फॉन्ट साइज बढ़ा हुआ है। अब आपको इससे भी नहीं पता लग रहा हो तो मैं एक काम करता हूँ, बिग को हटा के देखते हैं, ठीक है। यहाँ से हम बिग को कुछ इस तरह से रिमूव कर लेते हैं, जिससे कि आपको क्या थोड़ा समझने में आसानी होगा, कि लगेगा भी कि साइज बढ़ा है, क्योंकि इतना कुछ साइज बढ़ता नहीं है, हल्का सा चेंजेस आते हैं, माइनर सा चेंजेस, ठीक है। तो ये देख सकते हैं अब सीट का साइज हल्का सा छोटा हो गया है, ठीक है। तो ये यूज होता है हमारा बिग का। अब यहाँ पर अब छोटा करने के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल का, तो स्मॉल का हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं इलिट पे स्मॉल, ठीक है। ये स्मॉल का यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ, ये स्मॉल वन भी कर दिया है। अब इसको कंट्रोल एस किया है मैंने, यहाँ पर कंट्रोल एस करके हम इलिट को चेक करते हैं, अभी कहाँ है हमारा इलिट, ये रहा, ठीक है। अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो साइज पे आप ध्यान दीजिएगा, ये देख सकते हैं इसका साइज हल्का सा छोटा हो चुका है, पहले ग्राफ में जितने साइज थे उनके मुताबिक ये छोटा हो चुका है। तो ये यूज हो गया हमारा स्मॉल का। अब बात करते हैं, अगर आपको कोई काम कर रहे हैं आप और आपको बोल दिया जाए कि कुछ पैराग्राफ लिख रहा हूं बट मुझे एज इट इज चाहिए, ऐसी लाइन बन लाइन नहीं चाहिए। मान लीजिए मैंने एक वर्ड यहाँ टाइप किया तो ये टेक चालू हो गया यहाँ पर, मान लीजिए मैंने एक वर्ड यहाँ टाइप किया तो अगला मुझे यहाँ टाइप करना है स्पेस देके, तो मैं ऐसा कैसा यहाँ पर टाइप कर सकूँ। तो एज इट इज कुछ चीजों को हमको टाइप करने के लिए प्री टेक का यूज करते हैं,
तो प्रीटेक से यही होता है कि हम जैसा टाइप करेंगे वैसा कैसा ये हमारे आउटपुट में दिखा देगा, उसी हिसाब से हमें आउटपुट में दिखा देगा। जैसे कि मैं मेरा नाम टाइप करता हूँ यहाँ सार्थक, और ये आ रहा मेरा शर्मा। ठीक है, तो मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ, अब इसका आउटपुट देखते हैं। ये देख सकते हैं मैंने स्पेस दी, अगली लाइन में लाया, अगली लाइन में वो स्पेस कम करूंगा तो ये जो हमारा शर्मा है ये पीछे आ जाएगा थोड़ा सा, इतनी गैप जो जा रही है हमारी इसमें। अब बहुत सारों के दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि यार ये काम तो हम शायद पी टेक वगैरह पेलीग्राफ वगैरह में भी स्पेस देके करते तो हो जाता, बट आप गलत है। मैं आपको एक आउटपुट करके दिखा भी देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारी लाइन चेंज नहीं हो रही है, बट मैंने स्पेस दी और ये कुछ डिजाइन डाली है। ठीक है, तो अब पीटेक हमारा क्या करता है आपको बताता हूँ मैं। ये मैंने कंट्रोल एस किया, जैसे ही कंट्रोल एस किया तो उसने उसके अकॉर्डिंग सेट कर लिया है। मतलब पीटेक जो होता है वो उसकी पेलेग्राफ के मोड में चलता है, और प्रीटेक की मदद से ही हमारे को जैसा भी इनपुट देके हम आउटपुट में दिखाना चाहते हैं हमारे टेक्स्ट को वैसा एज इट इज वो दिख जाता है। तो ये यूज होता है हमारा प्रीटेक का। अब अगली बात करते हैं, मान लीजिए आपको कोई मैथमेटिकल फॉर्मूले वगैरह देखने को लिखने को मिल जाते हैं, आपको अगर लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे इसमें। अब मान लीजिए आपको कोई किसी ने बोल दिया कि आप 2 की घात 2 कीजिए 4, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सब। अब हमें किसका करना है, 2 का, कितनी करना है 2, तो यहाँ पर कंट्रोल एस करते हैं हम, तो ये आ गया 2 2। मतलब ये लॉक केस में यूज हो जाता है, 2 में हमारा नीचे आएगा और सुपर में हम ऊपर जाएंगे। जैसे कि हम लॉक 2 लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये लॉक लिखा मैंने, अब मुझे लिखना था लॉक 2, तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये देख सकते हैं ये लॉक 2 लिखा गया। अब नॉर्मल आप लिखते हैं ना लॉक 2 तो कैसा लिखा था, मैं आपको बताता हूँ। आप बोल सकते होंगे कि एडिंग वगैरह में भी हम इसका यूज करके लिख सकते थे, तो हम एक काम करते हैं S6 से लेते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा था लॉग 2, अब देखना ये लॉग 2 कैसा आएगा। हेडिंग 2 में लिखते हैं, हेडिंग 6 में लिख रहे हैं, तो हम ये कुछ इस तरह से आ रहा है, जबकि मैथमेटिकल में लिखते हैं हम तो कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो अगर आपको मैथमेटिकल चीजें यूज करने को मिलती है तो आप कुछ इस तरह से यूज करते हैं। जैसे हमने ये लॉग नीचे के लिए लिख लिया, अब 2 की घात 2 लिखना है, 2 की पावर 2 लिखना है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ लिख दिया मैंने 2, फिर एक फंक्शन और एक टैग होता है हमारा सुपर स्क्रिप्ट के नाम से, सुप पावर कितनी देनी है 2, कंट्रोल एस मारा, ये देख सकते हैं आप 2 की पावर 2 मैंने यहाँ पर लिख दी। अब इससे आपको थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा होगा, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर लाइन हमें चेंज करवाना है, तो यहाँ पर हम BR टैग का यूज कर लेते हैं। ये BR लगा दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारी लाइन चेंज हो जाएगी, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं 2 की पावर 2 भी हो गई है। ठीक है, तो आज की वीडियो में कुल हमने कितने टैग पढ़ लिए, यहाँ पर बिग देख लिया, स्मॉल देख लिया, प्री टैग देख लिया, सब स्क्रिप्ट देख ली और सुपर स्क्रिप्ट देख ली। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। इतनी जो कोड हमने आज करें पिछली वीडियो में करें, तो इस सब क्या प्रैक्टिस करते रहिएगा, और धीरे धीरे हम आगे जाकर हमारे वीडियो का साइज भी बढ़ाएंगे और हमारा काम करने की स्पीड भी बढ़ाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिएगा।